बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को एक बार फिर मुनाजरे का चैलेंज। ट्विटर पैगाम में लिखा, नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी जगह किसी भी वक्त मुनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर वज़ीरे आज़म के उम्मीदवार टीवी पर मुनाजरा करते हैं। मुनाजरे से वोटरों को उम्मीदवारों के मंसूबों का इल्म होता है। मुल्तान में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ सीपैक का बानी नहीं चोर है, ये लोग हर चीज चोरी करते हैं, इसीलिए गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है के नारे लगते हैं। मौसमी मंसूबे में चोरी करके एवन फील्ड के अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया, मगर ऐसा नहीं है, वो घर से निकल नहीं पा रहे। 8 फरवरी को तीर से शेर का शिकार करेंगे। तब्दीली ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया, पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा गया, हम अच्छा वक्त वापस लाएंगे। साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ का बूरेवाला में जलसे से खिताब, बोले आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, बिजली नहीं है, ना ही गैस, 4 रुपए की रोटी 20 रुपए की हो गई, 500 रुपए का बिल 20,000 का हो गया, क्या ये है तब्दीली? हम इक्तदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे, हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता, हर घर खुशहाल होगा। इक्तदार में आकर बिजली सस्ती और गैस घर घर फराहम करेंगे। मोटरवे हमने अपनी जात के लिए नहीं आपके लिए बनाई, नून लीग की हुकूमत आई तो एक मोटरवे बूरेवाला से भी गुजरेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर का नवाज शरीफ को 8 फरवरी की लंदन फ्लाइट का बंदोबस्त करने का मशवरा। बुनेर में जलसे से खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई, हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। बुनेर में पीटीआई के उम्मीदवारों को हर मुकाम पर तंग किया जा रहा है। पुराने पाक पर पीटीआई उम्मीदवार को हल्फ लेने का कोई हिदायत जारी नहीं की गई, अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी एमकेएम का बाब खत्म हो गया, 8 फरवरी के बाद हम हुकूमत बनाएंगे। एक शहजादा बिलावल कहता है मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, दूसरा शख्स लंदन से ऐसे आया जैसे कश्मीर फतह करके आया हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद हुकूमत का मौका मिल जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान ना होगा, दोनों जमातें 100 साल भी रहें तो कुछ नहीं बदलेगा। पीटीआई के सदर परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला कलदम करार दे दिया। परवेज इलाही PP 32 गुजरात की हद तक इलेक्शन लड़ सकेंगे। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, जमहूरियत की रूह इंतखाबी अमल है, कागजात नामजदगी महज किसी गलती की वजह से मुस्तरद नहीं किए जा सकते, उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं कि हर हलका इंतखाब के लिए अलग बैंक अकाउंट खोले, नामाकूल वजूहात पर कागजात मुस्तरद करना इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाता है, हक रायदही में रुकावट डालना मुंतखब हुकूमत के दिल पर वार करने के मुतरादिफ है। पीटीआई के उमर असलम, ताहिर सादिक, सनम जावेद, शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद, मोटरवे M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक भी ट्रैफिक रोक दी गई, लाहौर से शेखुपुरा तक भी ट्रैफिक मुअत्तल, कौमी शाहराओं पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवे पुलिस का आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा। और आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने का हुक्म, फलस्तीनियों के हक में अबूरी फैसला सुना दिया गया, मुकदमा न चलाने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद, जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ मुकदमा काबिल समाअत करार, इसराइल से 1 माह में रिपोर्ट तलब, आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी की, गजा तबाही की दास्तान बन चुका है, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी किए जाने के जनूबी अफ्रीका के आयद करदा इल्जामात में से कुछ दुरुस्त हैं, इसराइल गजा में इंसानी इमदाद की इजाजत दे, इसराइल नस्ल कुशी से मुतालिक इल्जामात की तहकीकात करे।